रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आपका खैरियत से होंगे। जहाँ रह खुश रहें, हमेशा आपका मुस्कुराते रहें। लेकिन एक दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं आगाज़। आज हम बना रहे हैं चने की दाल और चिकन। चने की दाल और चिकन के लिए क्या हमें चाहिए था? 2 अदद प्याज मैंने इसे ठीक है काट के ऊपर चढ़ा दिए हैं। अब दाल जितनी भी आपको बनानी है उतने, और हमारा चिकन है तकरीबन 2 किलो। वो इसलिए कि चने की दाल और चिकन के साथ मैं बना रही हूँ सफ़ेद चावल, वो इसलिए आज रोज जो है उसकी है सालगिरह। तो जी उसकी मर्ज़ी का खाना बन रहा है, तो इसलिए मैंने अभी लहसुन अदरक को पीस ली है। और लाइट जो है हमारी जा चुकी है, यही प्रॉब्लम रहती है हमें, कोई ना कोई मसला चलता ही रहता है। तो मैं डेली का व्लॉग भी नहीं पोस्ट कर पाती क्योंकि हमारा मोबाइल जो है वो गड़बड़ेशन है। ओए ऋषि, ये क्या कर रही हो? ऋषि जी आइजर को, ये कौन है ऋषि? ऋषि कौन है? आइजर आइजर को देख, ये कौन है? नन्ना, ये छोटा आइजर है। नन्ना और ऋषि ये कौन है? ये आपकी क्या लगती है? मोबाइल गड़बड़ेशन होने की वजह से मैं काफ़ी दिन ब्लॉग नहीं पोस्ट कर पाई, तो मैंने कहा आज कुछ मोबाइल सीधा है तो उसको आज ब्लॉग शुरू कर ले। तो प्याज को ब्राउन करने के लिए छोड़ दिए, ब्राउन हो जाता है तो हम ध्यान नहीं इतना। तो अब हमारी लाइट कुछ आ गई है, तो उसके लिए मैंने प्याजों के नीचे चूल्हा ज़रा चलाया है, उसको हल्का ब्राउन में इसमें लहसुन और अदरक और टमाटर काट के डाल दिए हैं। गरम मसाला जो है वो मैंने इधर पीस लिया है, पीस के तो उसको मैं रख लेती हूँ। साथ में मैंने चाय रखी है, आज हमारे हांडी को तो लेट हुई सो हुई क्योंकि नमाज़ों का जो टाइम है ना सर्दियों में बहुत बिल्कुल थोड़ा थोड़ा टाइम हो जाता है, तो फिर बंदा जैसे ही हम नमाज एक पढ़ के फारग होते हैं तो 2 मिनट के लिए रुकते ही हैं कि थोड़ा टाइम होता है दूसरी नमाज, फिर नमाज पढ़ना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि नमाज तो लाजमी है और मैं नमाज नहीं छोड़ती हूँ। नमाज मेरे पढ़ने शाम को बनकर शाम की नमाज़ पढ़ के तब भी हांडी को चढ़ाएंगे। वैसे भी उनके भाइयों ने आना है रात को 9 बजे, तो खाना तो तब भी खाना है। चिकन को मैंने अभी डाल दिया, इसको हम अच्छे से पेस्ट में फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के और प्याज के पेस्ट में, ताकि इसके अंदर जो इसकी थोड़ी बहुत खुशबू खुशबू रह गई है वो निकल जाए। तुम जियो हजारों साल। और का मौसम जो है बहुत ही बुरा है ऋषि, तो मतलब ये है कि बहुत ही जो वो मौसम जो गर्दो गुबार और ये जो है ना बहुत ज़्यादा है। लाहौर जो है आलूगी में नंबर 1 पे जा रहा है, इसमें हमारे गले और आंखें नाक बहुत ख़राब हो रहे हैं। तो सब आप लोग सब एहतियात करें और मास्क वास्क पहन के बाहर जाया करें। हमारी तो मजबूरी है, हम चाहते होते हैं तो जब फिर ऊपर हो जाते हैं तो फिर ज़्यादा ये होता है, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक अल्लाह ताला ने बचाया हुआ है। खांसी वांसी तो हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है, बचत है। तो तंदूरी तो ला के दे ऋषि से, ईद वो देखेंगे मोबाइल से बिजी है ऋषि, हमें देख रही है उसे बता रही शिकायत हो रहा है। तो
अब मैंने दाल इसमें डाल दी है, लाइट हमारी चली गई थी तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई। चिकन और दाल को मैंने भून के तो उसको मैं पानी लगा दिया जितना को हमें ज़रूरत है, तो इसको हम अभी से पकाएंगे, फिर मैं चावलों का इंतज़ाम साथ करती हूँ इंशाल्लाह, फिर इकट्ठा मिलते हैं। तो ये पानी मैंने इसको लगाया था वो कम पड़ा था क्योंकि दाल जो है अभी मैश नहीं हुई थी, अभी थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है तो इसको और अच्छे से पकाते हैं। तो साथ में मैं चावलों के लिए प्याज वगैरह काट लेती हूँ और चावल भी साथ में चढ़ा देते हैं क्योंकि फिर गैस का भी मसला चल जाना है। तो जी जनाब, मैंने अभी चावलों को, ये वाइट चावल हैं जिनको मैंने दम लगा दिया, दम लगाने के बाद उसका पानी, इनका पानी हो गया खुश्क। इसको दम लगा दिए तो ये देखें जी हमारा चिकन और दाल जो है बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो गई। देखें दाल बीच में बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। तो जी जनाब, हमारे वाइट चावल और सालन, दाल और चावल का सालन हो गया तैयार था जब मैंने आपको दिखा दिया था। तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि आप जो है वो मेरे चैनल पे प्लीज़ आएँ और उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, व्यू करें ऐसे, इसलिए कि अभी बहुत कम व्यू हो रहे हैं और लाइक और सब्सक्राइब भी अच्छे से नहीं आ रहे। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब वैसे ही तावन करें जैसे शुरू में आप तावन कर रहे थे। हाँ, बीच में थोड़ा सा हो जाता है हमारा लॉक स्टॉप हो जाता है, उसका आपको प्रॉब्लम बताया हुआ है कि कभी हमारे मोबाइल का इशू हो जाता है, कभी यहाँ पे अक्सर लाइट का इशू रहता है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम रोज़ ही आया करें और जो भी है प्रोटीन हम उसको आपको शेयर करें। तो क्योंकि आप यूट्यूब फैमिली हो हमारी और हम आपकी, तो इसलिए हमारे साथ तावन करें और हमारे लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही चाहते हैं इजाज़त, इशा की अजानें हो रही है, नमाज का टाइम हो रहा है, तो आप भी नमाज पढ़ें और हम भी पढ़ते हैं। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है, जो भी हमने तैयार किया जो भी पकाया इंशाल्लाह हम हाजिर हो जाएंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपनी फैमिली के साथ शादी बात करें। अल्लाह हाफिज़।